चोरों ने अररिया में एक जेवर दुकान का शटर काटकर 50 लाख रुपए से अधिक के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। इस चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अभी तो कोई आकलन भी नहीं किया गया, कोई सामान भी नहीं सीसीटीवी में देखा गया है, चूंकि इनका लॉकर नहीं टूटा है और जो डिस्प्ले में सामान है सिल्वर का वही सब गया होगा। अभी तक उनसे बात हो गई है, चोरी है और उसमें तीन को चोर का आ रहा है, इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। चूंकि मार्केट इतना गलत तरीके से ये बना हुआ है कि आगे से शटर लगा दिया गया और पीछे इसमें कोई शटर लगाने का प्रावधान नहीं था, तो पीछे से घुस गया जो कि पता ही नहीं चलेगा। और अनसिक्योर्ड मार्केट बनाया गया है, जबकि ये ज्वेलरी की दुकान है, इसको सिक्योर रहना चाहिए, तो पीछे से पूरा ओपन था, उसी से शटर को किसी से फैला करके घुस गए और जो डिस्प्ले में सामान था और इनका जो लॉकर है वो लॉकर ऊपर को नहीं तोड़ सका है और वो उसको फैला करके उससे सामान की चोरी हुई है। अभी आकलन नहीं किया है, इनके द्वारा एफ आई आर दर्ज की है तो बताया जाएगा कि क्या है। ऐसे हम लोग अगर चेहरा दिखाता है रिवाइंड करो। तो वो लिख के ना चल दो डायरेक्ट एसपी के पास, एसपी के यहाँ का फुटेज दिखा, बड़ा होगा उसे कुछ ना हो। अरे भाई देखता है इधर भी, पीछे ये तो घूम सकता है। इसी का चेहरा देखा ये हाफ पैंट वाले का है, हाफ पैंट वाला का नया चेहरा दिखता है। वो एक और है साला, तीन गोटा से है, देखिए इसी का एक और जो पूछा था ना उसका चेहरा। क्या क्या बोलते गया था, हमको लगता गाड़ी चोरी हो गया, हमको दिमाग में यही हिट किया गया, अमित गाड़ी लेके गया था। रानी से हमको फोन किया ना तो मेरा बेटा फोन लेके दौड़ गया है, तो हम तब भी समझ गए कि कुछ काम ही हो गया। पूजा कर रहे थे, हमको एकदम दिमाग में जहन में घूम गया कि कुछ हो गया है, आराम से हम पूजा करने लगे। जो हो गया तो उसके बाद तो